लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे फुली ऑटोमेटिक कैश फ्लो स्टेटमेंट डेटा में भी, और दोस्तों यहां पर ग्राफिकल सूरत में डेटा हम आपको प्रेजेंट करेंगे। चलते शुरू करते हैं लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएँ, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों ये हमारे पास कैश फ्लो है जिसमें दोस्तों जनवरी में जो अवेलेबल कैश है वो दोस्तों 1 लाख है। अब दोस्तों इस जनवरी के महीने में हमें मजीद कैश आया है, अकाउंट रिसीवेबल 80,000, लोन प्रोसीड हमने लोन लिया है 20,000, सेल्स एंड रिसीप्ट सेल आउट किया है 20,000 जनवरी में। तो दोस्तों यहाँ पर जनवरी का टोटल कैश इनफ्लो में ये जो कैश इनफ्लो है ये दोस्तों यहाँ पर ऐड करेंगे, आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, एंटर कर दें तो हमारे पास दोस्तों टोटल 1,20,000 का ये आ रहा है। दोस्तों अवेलेबल कैश बैलेंस दोस्तों इसमें दोस्तों हम जमा करेंगे जो 1 लाख बिगिनिंग हमारे पास पड़ा था वो दोस्तों, तो क्या तरीका है, इक्वल टू ये और प्लस हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था एंटर कर दे तो हमारे पास दोस्तों 220 अवेलेबल कैश बैलेंस आ रहा है। इस तरह दोस्तों अब हमने जो कैश आउटफ्लो किया है वो दोस्तों ये है, डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सर्विसेज चार्जेस, क्रेडिट कार्ड फी, डिलीवरी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, इन्वेंट्री परचेज, मिसलिनियस ऑफिस, पेरोल, पेरोल टैक्सेस, प्रोफेशनल फी, रेंट आर लीज, सब्सक्रिप्शन मैंने पे किए, इस तरह दोस्तों सप्लाई ड्यूज, टैक्सेस एंड यूटिलिटी। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इसका सब टोटल आ रहा है, आल्ट इक्वल टू एंटर कर दे, सब टोटल दोस्तों इसका आ रहा है, ये आ रहा है। अदर कैश आउटफ्लो में दोस्तों शामिल है लोन प्रिंसिपल, हमने लोन अमाउंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, ओनर्स ड्रा, ओनर ने अपने खर्चे के लिए दोस्तों जो पैसे लिए इसका दोस्तों सब टोटल निकालते हैं, आल्ट इक्वल टू एंटर कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल कैश आउटफ्लो के लिए हम दोस्तों यहाँ पे हमारा जितने भी एक्सपेंसेस हुआ है और प्लस ये जो अदर कैश आउटफ्लो ये आप उसमें जमा करेंगे, इक्वल टू ये प्लस करेंगे इसमें ये वाला सब टोटल और एंटर कर दें तो यहाँ पर टोटल कैश आउटफ्लो आ रहा है। यहाँ दोस्तों एंडिंग बैलेंस हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। सिंपली दोस्तों हमारा इनफ्लो से अवेलेबल इनफ्लो से दोस्तों माइनस करेंगे आउटफ्लो, इक्वल टू अवेलेबल कैश बैलेंस माइनस करते इससे कैश आउटफ्लो एंटर कर दे, 1,27,000 हमारे पास दोस्तों कैश एंडिंग बैलेंस आ रहा है। अब दोस्तों ये जो हमारा जनवरी का एंडिंग बैलेंस है ये दोस्तों हमारे फरवरी का बिगिनिंग बैलेंस बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू इस हमारे एंडिंग बैलेंस पे क्लिक करें तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम फरवरी का कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल, कलेक्शन, सेल रिसीप्ट वगैरह, आल्ट इक्वल टू एंटर कर दें, अवेलेबल कैश में दोस्तों इक्वल टू हमारा ये फरवरी का ओपनिंग बैलेंस प्लस करेंगे इसमें हमारा ये जो टोटल कैश इनफ्लो एंटर कर दें, ये आ रहा दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास फरवरी का अवेलेबल कैश बैलेंस आ रहा है, टोटल कैश इनफ्लो दोस्तों 1,13 हुआ है और इसमें हमने दोस्तों बिगिनिंग बैलेंस फरवरी का ऐड करके अवेलेबल कैश बैलेंस आ गया। अब दोस्तों आउटफ्लो हमारा जितने भी है, जितने पेमेंट हमने किया है उसका यहाँ पर टोटल निकालेंगे सब टोटल में, आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, देख लेते हैं ऊपर तक गया है फार्मूला यहाँ तक अप्लाई हुआ है, एंटर कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर अदर वो हुए हैं यानी लोन प्रिंसिपल पे किया है, ओनर ने
अपने इस्तेमाल के लिए जो पैसे निकालते हैं उसे दोस्तों ड्राइंग कहते हैं, यहाँ पर ड्रा भी कह सकते हैं। इसको भी जमा कर लेते हैं, आल्ट इक्वल टू एंटर कर दें, तो टोटल जो कैश आउटफ्लो है यानी ये प्लस करेंगे इसमें, ये एंटर कर दें, तो टोटल दोस्तों कैश आउटफ्लो हुआ है वो 82,000 हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम एंडिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, टोटल अवेलेबल कैश इनफ्लो से दोस्तों माइनस करेंगे, कैश फ्लो से माइनस करेंगे, टोटल कैश बैलेंसेस से दोस्तों माइनस करेंगे, टोटल कैश आउटफ्लो इक्वल टू इसको नीचे कर दें और बोल्ड कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों एंडिंग बैलेंस फेब्रवरी का इक्वल टू हमारा अवेलेबल कैश बैलेंस माइनस करेंगे इससे, टोटल कैश आउटफ्लो एंटर कर दें, तो ये दोस्तों हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ रहा है। ये दोस्तों मार्च का ओपनिंग बैलेंस बन रहा है 157,260, यहाँ पर इक्वल टू ये और एंटर कर दें, इसको भी बोल्ड कर दें, तो ये दोस्तों मार्च का ओपनिंग बन गया, फेब्रवरी का एंडिंग बैलेंस है और मार्च का ओपनिंग बैलेंस है। अब मार्च का निकालते हैं, सबसे पहले दोस्तों टोटल कैश इनफ्लो आल्ट इक्वल टू एंटर कर दें, यहाँ पर अवेलेबल कैश इक्वल टू ये इसमें दोस्तों जमा करेंगे प्लस हमारा ये ओपनिंग बैलेंस मार्च का एंटर कर दें और बोल्ड कर दें। अब दोस्तों कैश आउटफ्लो के लिए यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आल्ट इक्वल टू एंटर कर दें और यहाँ पर कैश आउटफ्लो में लोन प्रिंसिपल और ओनर ड्रा ये हुआ है, यहाँ पर आल्ट इक्वल टू इसको सेलेक्ट कर दें, एंटर कर दें, यहाँ पर आल्ट इक्वल टू ये सब टोटल प्लस करेंगे दोस्तों इसमें, ये जो हमारा सब टोटल है आउटफ्लो का एंटर कर दें, इसको भी दोस्तों नीचे कर दें, यहाँ से बोल्ड कर दें, एंडिंग बैलेंस दोस्तों इक्वल टू अवेलेबल कैश बैलेंस माइनस करेंगे इससे टोटल आउटफ्लो एंटर करेंगे बोल्ड कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला है, इक्वल टू सम इनटू इस रेंज को सेलेक्ट कर दें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दें। अब सिंपली आपने इसको नीचे तक ड्रैग करना है। अब इसमें दोस्तों कुछ सेल जो है वो मर्जें यहाँ तक कर लें और यहाँ तक कर लें, आर्ट इक्वल टू इसको कर दें, एंटर कर दें, आर्ट इक्वल टू ये एंटर और यहाँ पर आर्ट इक्वल टू एंटर, आर्ट इक्वल टू एंटर, इक्वल टू यहाँ तक आ गया दोस्तों। और यहाँ भी आप कर सकते हैं, या इसमें कोई मर्ज वैल्यू है, आर्ट इक्वल टू एंटर, तो ये दो डेटा दोस्तों हमारे पास शो कर रहे हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पेश कर दें 3 महीने का, तो क्या तरीका है दोस्तों, टोटल कैश आउटफ्लो और यहाँ पर दोस्तों एंडिंग बैलेंस, यहाँ पर दोस्तों इंसर्ट में जाए और यहाँ से रिकमेंडेड आल चार्ट, तो हमारे पास ये डेटा आ गया दोस्तों, ओके कर दें। यहाँ पर कैश फ्लो, यहाँ से दोस्तों आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं डिज़ाइन में जाए, यहाँ पर इसका जो प्रेजेंटेशन है इन सबको वन बाय वन सेलेक्ट करते जाए, कंट्रोल जेड, डिज़ाइन दोस्तों ये भी दे सकते हैं, ये देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं, यहाँ पर टोटल अमाउंट शो कर रहे हैं, इस तरह का भी शो कर सकते हैं अगर आप किस तरह शो करना चाहते हैं, ये भी है दोस्तों। चेंज चार्ट टाइप में जाए, यहाँ से कोई और चार्ट कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये चार्ट भी हैं, जो चार्ट आपको अच्छा लग रहा है उसी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये किया है, यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करें, डेटा लेबल, डेटा दोस्तों इसमें डालना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हैं टोटल ऑफ कैश इनफ्लो, यहाँ पर जो चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आप देख रहे हो दोस्तों, इस तरह का क्रॉस लग जाता है, आप ये वाला ग्राफ देख सकते हैं, तो ये एक मुकम्मल कंट्रोल है। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आएगी, आज की इस लेक्चर की समझ आइए, तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें, थैंक यू सो मच।